हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज ही थिंकिंग राइट नाउ, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज लाती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसा ही कॉन्टेंट ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट ही और शी इज थिंकिंग राइट नाउ। तो उनकी करंट एनर्जीज पता करने में प्लीज डिवाइन हमारी मदद कीजिए और गाइड कीजिए। मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तब तक आप भी उनको याद कर लीजिए तो हमें उनकी एनर्जीज पता चलेगी। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो पल्स्ड कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है द एम्पीरर, चलिए तीसरा कार्ड देखते हैं क्या है। थर्ड कार्ड इज अ स्ट्रेंथ, ओके। फोर्थ कार्ड है एस ऑफ कप्स, ओके। और हमारा फिफ्थ लास्ट कार्ड आया है व्हिच इज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो पर्सन है, जो आप जो उनकी अभी करंट एनर्जी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनको आपका जो मतलब पर्टिकुलर पर्सन है, जो पार्टनर है, वो अभी यही सोच रहा है कि उन्होंने अभी तक जो पाया है, ठीक है, आपको इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना होगा। उन्होंने अभी तक जो पाया है ना, उनके लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उस चीज को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, उनकी जिंदगी में आप आए हो, आप ऐड हुए हो, तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो, आपका प्यार हो और आप उनके लिए एक विक्ट्री हो। उन्होंने आपको पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई है, बहुत ज्यादा कोशिश करी है, बहुत ज्यादा करेज है उनमें, ठीक है। तो फिर उसी की वजह से, उसी की बदौलत उन्होंने आपको पाया है, इसलिए आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो आपके लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है, किसी से भी मतलब लड़ने के लिए तैयार है। बाय हुक और क्रूक दे आर रेडी। अगर उनको कोई कुछ बोलता है आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में, या फिर मतलब किसी भी गलत बात के लिए, दैट पर्सन इज रेडी। अभी उनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब शांत है, कोई भी मतलब जैसे हमेशा उनका स्वभाव थोड़ा सा, देर आर चांसेस कि स्ट्रिक्ट हो और समथिंग, बट अभी के लिए उनका स्वभाव थोड़ा सा शांत है, उनकी एनर्जी थोड़ी सी लो डाउन है। वो अभी थोड़े से चिल के मतलब थोड़ा सा चिल और नॉर्मल वातावरण में है, वो रोमांटिक वातावरण में है, कि मतलब उनको पता, उनका मन थोड़ा सा शांत हो गया है, काम हो गया है। जो हमेशा उनकी जो लाइफ है जिसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ चलती रहती है और समथिंग लाइक दैट, तो वो थोड़ी सी शांत हो गई है, दैट इज़ द मेजर थिंग, ओके। मैं अभी और एक डेक शफल करती हूँ और चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है। अभी जानते हैं ओरेकल डेक से कि वो क्या सोच रहे हैं अभी। अभी के लिए मतलब उनका ये है कि मैं शांत हूँ, बट अगर कुछ आता है मैं उठ के इमिडिएटली चला जाऊँगा या चला जाऊँगी। ऑब्वियसली उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज है, जिसकी वजह से उन्होंने ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप उनके जीवन में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अभी जैसे फर्स्ट कार्ड में निकालती हूँ सिस्टरहुड ऑफ द रोज। तो अभी एज आई सेड अर्लियर कि उनका स्वभाव अभी थोड़ा सा शांत हो गया है। दे आर लाइक मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ देर आर अ चांसेस जाए, या फिर खुद को पैम्पर करे, या फिर मतलब आपसे ज़्यादा, आपके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करे, लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करे। दे विल टेक अ ब्रेक, एज आई सेड उनका स्वभाव थोड़ा सा अभी मतलब उनका मूड ना लाइट डाउन हो गया है, तो मतलब वो चाहते हैं थोड़ा सा आराम करे अभी आने वाले समय के लिए, मतलब जो 2023 आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाए। ये सारी बातें उनके मन में अभी चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो मतलब आपका जो पर्टिकुलर पर्सन है
वो उनका फोकस एकदम क्लियर है, उनको पता है उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मतलब ये जो अभी वो आराम कर रहे हैं या फिर जो पॉज लिया है, जो ब्रेक लिया है, वो आने वाले सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिया है। आने वाले समय में आप उनमें बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आपको पता चलेगा कि मतलब उन्होंने जो ये अभी ब्रेक लिया था ना, ये मतलब तूफान आने से पहले की शांति थी, वो मतलब फिर से किसी ना किसी नई चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अभी आई वॉज ट्राइंग के मतलब ये लास्ट कार्ड आए, बट देर आर अ टू कार्ड्स जो अभी आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का उसके बाद जो कार्ड आया है हमारा फोर्थ कार्ड, दैट इज इमारा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट कार्ड आया है दैट इज द मिरर, ठीक है। तो आपको अभी कौन सी चीज़ ऐसी है जो बॉदर कर रही है, आपको उनको बस बताना है, दैट पर्सन विल हेल्प यू बिकॉज उनका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, दे विल हेल्प यू इन एनी सिचुएशन। आपको कोई भी बात परेशान कर रही है आप उन्हें बता सकते हो, दैट पर्सन इज देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू। उनका अभी जो मन है, विचार है, वो बहुत ज़्यादा शांत है, काम है, सो इस सिचुएशन में वो आपको अच्छे से मदद कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको आएगी नहीं आपके रिश्ते में, ठीक है। चलिए और एक डेक शफल कर लेते हैं, देखते हैं और क्या बातें उनकी सामने, मतलब उनकी थिंकिंग के रिगार्डिंग सामने आती है, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ, एज आई सेड अर्लियर, स्ट्रेंथ का भी कार्ड ट्वाइस आया है, एज आई सेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्परर रेडी है किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए, दैट कार्ड ऑल्सो केम ट्वाइस। जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करेज है। तो मतलब अभी जो उन्होंने पॉज लिया है ना, ये आगे कुछ बड़ा करने के लिए लिया है। देर आर अ चांसेस के रिश्ते में चेंजेस आ जाए, लाइफ में चेंजेस आ जाए, या फिर मतलब उनको पता है आने वाले समय में कोई बड़ी चीज़ आने वाली है जिसके लिए उन्हें तैयार होना है, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। तो ये तूफान से पहले की शांति है। अभी वो एक ऐसे मूड माहौल में है जिसमें वो बस रिलैक्स करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें करना चाहते हैं, अपने प्यारे प्यारे लोगों के साथ जो उनको पसंद है उनके साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार जब वो अपनी राह पे चल पड़े तो जल्दी वापस नहीं आएंगे, या फिर मतलब उनको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें अभी उनके मन में चल रही है, ठीक है। दिस इज द लास्ट कार्ड विच इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एज आई सेड यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन, देर आर मल्टीपल थिंग्स, इवन एम्परर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ, तो मतलब बहुत आपके पार्टनर एक स्ट्रांग पर्सन है जिनके बारे में अभी मतलब आप ये सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, दैट पर्सन इज अ वेरी स्ट्रांग, ठीक है। उनको पता है कि उनको आगे ज़िंदगी में क्या करना है, कौन से रास्ते पे जाना है। अभी जो उन्होंने पॉज लिया है दैट पर्टिकुलर छोटे से पीरियड के लिए है ताकि वो चार्ज हो जाए और आगे बढ़े, ठीक है। प्यार के रिगार्डिंग अगर आप बोलो तो मतलब वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, कभी भी हमेशा आपके साथ रहेगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि आप एक प्रीशियस हो, प्रीशियस ज्वेल हो उनकी ज़िंदगी में। आपको बड़ी मेहनत से हासिल किया है उन्होंने, बड़े मुकाम मतलब बड़ी दिक्कतें सहने के बाद, ठीक है। इसी की वजह से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपको बस ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। आई होप आप सब लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पक्का बताइए आप सब लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइस।